नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है, यानी कि अब राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको याद होगा कि बीते दिन शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक नियमावली का पहला ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन इस पहले ड्राफ्ट के जारी होते ही खूब हंगामा भी हो रहा है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ CPIML विधायक संदीप सौरव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी। नई शिक्षक नियमावली का जो पहला ड्राफ्ट जारी हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, तो कितनी खुशी हो रही है उसको पढ़कर? खुशी तो है कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों का जो साझा संघर्ष था, उनकी एकता थी, उनकी लगातार मांग उठती रही और महागठबंधन की सरकार ने उसको सुना। मांग तो लंबे समय से लोग कर रहे थे, लेकिन पहले की सरकारों ने साफ साफ कह दिया था कि भगवान भी धरती पर आएगा तो नहीं मिलेगा। मौजूदा सरकार ने ये काम किया जी। तो एक तो इसको महत्वपूर्ण जीत हम मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कल घोषणा हुई है, घोषणा क्या, एक ड्राफ्ट दिया गया है, तो उसमें कमियाँ हैं। कमियां हैं उसमें। अच्छा। और ये शिक्षा विभाग भी जान रहा है कि उसमें कमी है जी जी। और इसीलिए 7 दिन का समय दिया गया है कि उस पर अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई सुझाव देना है तो दीजिए। तो निश्चित तौर से हम लोग सुझाव देंगे उस पर और वृहत अध्ययन चलेगा हम लोग का। लेकिन जो सबसे साफ दिखने वाली कमियाँ हैं, एक तो अशुद्धियों की कमियाँ बहुत सारी उसमें, ग्रामेटिकल इरर्स बहुत सारे हैं। दूसरा है कि राज्यकर्मी शब्द का इस्तेमाल नहीं है जी, विशिष्ट शिक्षक। हाँ, तो एक तो कहा जाए कि ये नहीं, ये राज्यकर्मी हैं जी, तो एक तो राज्यकर्मी शब्द का इस्तेमाल हो, एक बात ये हम चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक का जो एक अलग से कैटेगरी आप बना रहे हैं, हमने एकदम शुरुआत में कहा था कि स्कूलों के अंदर अगर शिक्षकों के बीच में बहुत सारी श्रेणियां बना देंगे तो उससे शिक्षा का नुकसान है, उससे स्कूलों के अंदर लोकतंत्र का नुकसान है। श्रेणीबद्धता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सभी शिक्षकों को विद्यालय शिक्षक के रूप में, विद्यालय अध्यापक के रूप में रखा जाए। ठीक है। और जो BPSC से बहाल होंगे उनको भी और इनको भी, सबको एक तरह का शिक्षक के रूप में ट्रीट किया जाए जी। तो विशिष्ट शिक्षक की एक अलग कैटेगरी बनाना ये उचित नहीं है, मतलब इसको हटा ही दिया जाए, हटाया जाए, ये हम मांग करेंगे। तीसरी बात है कि जो पे इंडेक्स बनाया गया है उसमें प्राइमरी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो मिडिल हैं, जो हाई स्कूल के टीचर हैं, उनका जो पे स्केल किया गया है वो घट रहा है, कम हो रहा है जी। BPSC से बहाल जो होंगे उनसे उनका कम हो जाएगा जी, जी। तो राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए था तो उनको, उनका उसी तरह से उसका पे स्केल को ठीक किया जाए। दिख रहा है कि वो पे स्केल में कुछ कमी है जी। तीसरी कमी ये मुझे लगती है। ठीक। चौथी कमी है कि ये जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का बात है शिक्षकों के ऊपर, जिसके लिए आपने पत्र भी लिखा था, अलग से आपने मेथड बना दिया है ना, वो तो अलग चीज है। ठीक है। वो तो हमने कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको उसके चलते प्रताड़ित न किया जाए, लेकिन सही बात है कि अगर राज्यकर्मी हुआ तो किस प्रक्रिया से किसी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दोनों ही मामलों में जो BPSC से बहाल होंगे उनको भी DO के अधीन, मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्रवाई करेंगे, इनके लिए भी वही है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग कर दिया गया है। तो इससे बहुत सारा घालमेल, बहुत सारी अस्पष्टता है, तो इसको दुरुस्त किया जाए। तो इस तरह की कई सारी मांगे हम लोग रखेंगे और इसका और डिटेल अध्ययन हम लोग करेंगे जी जी। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग चाहते हैं कि बगैर कोई शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। मैं उसी पर आने वाली थी कि आपने जितने भी पॉइंट्स बोले उसमें ये बात का तो जिक्र ही नहीं है जिस पर हंगामा मच रहा है। हंगामा तो कई चीजों पर मचा हुआ है, लेकिन आप ये जानिए कि नियोजित शिक्षकों को अब लग रहा है कि सरकार उनकी बात सुन चुकी है, सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सरकार ने घोषणा जो किया था 15 अगस्त को और उससे पहले 5 अगस्त को जो बैठक उम्मीद में थे, बिल्कुल हाँ, तो सब लोग उम्मीद में थे, एक रिजल्ट आया है, लेकिन अभी धक्का लग गया है संदीप जी। धक्का तब लगा क्योंकि हमारे पास मेल आ रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि अब ये छलावा नहीं चलेगा। आपके पास मेल आ रहे हैं और आप समझिए मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं। कल से ही मेरा फोन कभी रुक नहीं रहा है, हैंग करने की स्थिति में आ गया। अच्छा, इतने ज्यादा लोग, लेकिन कई सारे लोग खुश हैं लेकिन कमियां हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग भी कह ही रही है ना कि इसमें कमी है, तभी तो मांगा गया सजेशन, ये फाइनल कोई तो रिजल्ट नहीं है।
इसीलिए इसमें बाकी शिक्षक संगठनों से भी हमारी बात हो रही है जी जी। और हम लोग मिल करके एक चाहेंगे कि जो कमियां मैंने आपको बताई वो, और साथ ही साथ ये जो तीन परीक्षा आप लेंगे, एक तो आप उसको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कह नहीं रहे हैं, उसको समकक्ष परीक्षा कुछ कह रहे हैं, तो वो परीक्षा फिर अलग से क्या होगा। हमारी तो लड़ाई यही इसी बात पे थी कि हमने कहा था कि नहीं, इनसे बीपीएससी की परीक्षा मत लीजिए। बिल्कुल। तो अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है कि हम परीक्षा नहीं देंगे। साफ कह रहे हैं कि को बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। वो एक तरफा बात नहीं होती, जब बात होती है कहीं पे निगोशिएशन होता है जी। तो हमारी भी मांग वही है कि आप परीक्षा मत लीजिए, और उसमें सरकार को अगर लगता है कि कई सारे टीचर्स का जो डॉक्यूमेंट है जो हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया हुआ है उसमें फर्जीवाड़ा है या अनुपलब्ध है, उनको आप होल्डिंग पे डाल दीजिए। एक ये है, या तो सरकार बिना कोई परीक्षा के सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे, एक ये, और अगर जैसा कि सरकार के ही एक सीनियर मंत्री हैं वो कह रहे थे कि अगर किसी का अपग्रेडेशन होना है और उनका पूरा स्टेटस बदल जाना है तो उसमें कोई ना कोई एक क्राइटेरिया लगाना पड़ता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा। जैसे जी। जब पंचायत शिक्षक शुरुआत में शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, उनको बाद में उनका नियोजन हो गया तो उनकी एक दक्षता परीक्षा हुई थी, जी। तभी उनको यहाँ लिया गया। अब नियोजित शिक्षक को अगर राज्यकर्मी में लेना है तो उसमें अगर कोई लीगल बाध्यता नहीं है, मैं इसी शब्द पे जोड़ दे रहा हूँ कि अगर कोई लीगल बाध्यता नहीं है तो सीधे उनको ले लिया जाए, लेकिन अगर कोई लीगल बाध्यता है, अगर आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस जाएगा कि आपने बिना कोई परीक्षा लिए, बिना कोई क्राइटेरिया तय किया, आपने कैसे सबको ले लिया, उसमें हम सरकार से कहेंगे कि पहले आप सबको राज्यकर्मी ले लीजिए, और उसके बाद आपको लगता है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम आप ले सकते हैं। ठीक है, विभागीय। और हाँ, और जिस जो डिपार्टमेंटल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे उनकी कुछ सुविधाएं आप रोक दीजिए, कुछ सुविधाएं रोक दीजिए, लेकिन नौकरी नहीं चली जाए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा है कि तीन चांस है, तीनों बार असफल रहे तो सेवा मुक्त हो जाइएगा, नौकरी से ये पड़ेगा। ये कतई गलत चीज है, ये इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा है कि देखिए हम तो स्वागत कर रहे हैं ताकि सरकार ने चूंकि एक फैसला ले लिया, स्टेप लिया है, बिल्कुल हाँ, और शिक्षकों के हित में लिया है। अब और सरकार कह रही कि कोई सुझाव है तो हमको दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे, तो मेरे ख्याल से कल या परसों तक हम लोग लिखित में जहाँ पे जिस मेल पे कहा गया वहाँ भी भेजेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी देंगे, शिक्षा मंत्री महोदय को भी देंगे, तमाम अधिकारियों को भी देंगे, तमाम अधिकारियों को दीजिएगा। लेकिन एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि जिस तरह से हम लोग भी लगातार नियोजित शिक्षकों से बात कर रहे हैं, वो अड़े हुए हैं अपनी मांग पर, साफ साफ कह रहे हैं कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए, लेकिन अब 7 दिनों का जो वक्त दिया गया है, अब उस 7 दिनों में भी अगर परीक्षा वाला जो प्रावधान है उसको हटाया नहीं जाता है तो फिर एक बार फिर से कहीं नियोजित शिक्षक आंदोलन। नियोजित शिक्षक वो बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ इसमें लीगल अड़चन है कि नहीं है। क्योंकि जब हम लोग कोई मांग करेंगे और सरकार के सामने जब कोई गंभीरता से बातचीत होगी तो उस बातचीत में आपको तमाम आयामों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग भी चूंकि सरकार की तरफ से ही ये कहा गया, पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय ने ये कहा कि एक लीगल अड़चन इसमें है, बिना परीक्षा या बिना कोई क्राइटेरिया का किसी को स्टेटस बदल देने में। हाँ, अगर ये लीगल अड़चन है तब उस पर बात होगी, अड़चन अगर नहीं है तब नहीं है। बिना परीक्षा का आप ले लीजिए, बिना परीक्षा का लेकिन अगर परीक्षा लेना है तो समकक्ष परीक्षा लेना, ये कोई बात नहीं। हाँ। अब ये समकक्ष परीक्षा क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप डिपार्टमेंटल परीक्षा, विभागीय परीक्षा लीजिए, विभागीय परीक्षा कोई टफ चीज नहीं है, और इसमें कमोबेश अधिकांश शिक्षक संगठन तैयार। आपको लगता है कि विभागीय परीक्षा के लिए भी मानेंगे नियोजित शिक्षक? लगातार कह रहे हैं कि आप फिर 4 लाख है जी, 4 लाख 4 लाख में हर किसी का अलग अलग मानना हो सकता है, बिल्कुल जी, लेकिन ये जो 4 लाख नियोजित शिक्षकों का संगठन है जी, अधिकांश लोग किसी न किसी संगठन के मातहत हैं, बिल्कुल जी, उन सबसे हमारी बात हुई है, संगठनों से बात हुई है, और वहाँ पे तो प्रैक्टिकल बात होगी। लेकिन अगर कोई लीगल अड़चन इसमें है तो हम लोग को तो समझना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिना शर्त, बिना कोई परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिले, राज्यकर्मी कहा जाए, विशिष्ट शिक्षक जैसे शब्दावली को हटाया जाए, सबके लिए एक जैसा नियमावली रखा जाए, सबके वेतन जैसा, सबका एक जैसा वेतन रखा जाए, और जो पुराने शिक्षक हैं उनका कम्प्लीटली जो उनकी वरीयता है, जितने साल उनका ज्वाइनिंग का हो चुका है, वो वरीयता यहाँ भी बरकरार रहे,
ये नहीं हो सकता कि जो 15 साल पढ़ा रहे हैं वो अचानक से अब नए शिक्षक कहला जाएंगे, या जो शिक्षक परीक्षा दे चुके हैं अभी बीपीएससी का जिन्होंने दिया है उनके लिए भी है कि वो अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो बैक डेट में उनकी जो सीनियरिटी है वो बरकरार रखा जाए। तो ये सब मांग हम लोग लिखित रूप में सरकार को देंगे। मतलब कि 7 दिनों के अंदर जब सुझाव मांगा गया है तो आप लोग हम 2 दिन के अंदर ही दे देंगे, 2 दिन के अंदर ही सुझाव दे दीजिएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे विधायक जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि हम लोगों को भी कई सारे ऐसे बिंदु हैं जहां पर आपत्ति है और हम लोग भी उस साइट पर अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बताएंगे कि क्या कुछ कमियां हैं और कहां पर सुधार की गुंजाइश है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।